कैसी लगी मेरी किस्मत साहब? मूवी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एंगेजिंग कंटेंट है। जो मैं सोच के आया था वैसा तो खैर नहीं था यार, मैं सही बताऊँ। मैं सोचा था इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो शायद सुपर नेचुरल वाली चीज़ें होंगी, यानी कि शायद कटरीना कैफ और विजय सेतुपति एक भूत सा कुछ बन के आए होंगे, क्योंकि मैंने ऐसी कुछ कुछ इसके बारे में रिव्यूज़ पढ़े थे, बट ऐसा है नहीं है। शुरुआत में जो फर्स्ट हाफ है उसमें लगता भी है कि हाँ सच में ऐसा है, ये सुपर नेचुरल है, बट जैसे जैसे सेकंड हाफ आता है ना तो क्लैरिफिकेशन होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो चीज़ें इसके अंदर नहीं होती हैं। तो मार्वल और, की तरह है क्या? नहीं, मार्वल की तरह नहीं है, मार्वल का एक कॉन्सेप्ट अलग है भाई, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। मार्वल में तो सुपर हीरोज़ हैं, इसमें कोई सुपर हीरोज़ तो ना है। हालांकि मूवी रिलीज़ हुई है हनुमान, उसमें हमारे हनुमान जो मूवी है उसमें हमारे बजरंगबली सुपर हीरो हैं। कहते हैं कि एनिमल मूवी है, काफ़ी हैवी मूवी रही थी, मतलब काफ़ी लोग थे हॉल के अंदर, हॉल में के बाहर भी। इसमें तो यार लगता नहीं है इतनी भीड़ होने वाली, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मुश्किल से 20-25 बाइक ही होंगी, कोई कारोबार तो है नहीं शायद यहाँ पे, एक भी कारोबार कुछ नहीं है। तो मुझे लगता नहीं इसके अंदर करीब शायद 100 लोग मूवी को देख रहे होंगे, क्योंकि मूवी साउथ की है ना, बेस सेतुपति है, कटरीना कैफ है। ऐसा क्या दिखाया कि मतलब मूवी चल नहीं रही है, इतने लोग नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? इसका रीज़न है कोई, इसमें कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, बड़ी नहीं है। जैसे कि कटरीना कैफ का उतना नाम नहीं है, एक टाइम था जब उसका नाम था, बट इस समय उसका इतना नाम है नहीं है। बेस सेतुपति साउथ में चल सकते हैं, बॉलीवुड में नहीं। सलमान खान होते इस मूवी के अंदर भाई, फिर तो यहाँ पे ये थिएटर हाउसफुल हो रहा होता है इस समय पे, अगर फर्स्ट डे अगर मूवी लगी है तो भाईजान होते तो थिएटर इस समय हाउसफुल चल रहा होता। वही बात है कि सलमान खान नहीं है तो फिर मूवी इतनी चल नहीं पा रही है। टाइगर श्रॉफ होता तो भाई फिर तो मूवी पक्का पिटती यार, क्योंकि गणपति से बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा है, तो फिर साथ नहीं चल पाती। और इसका अगर सेतुपति की मतलब एक्टिंग कैसी थी? एक्टिंग भाई देखो, बेस सेतुपति एक साउथ का जानमान नाम है, अच्छी एक्टिंग करी है, नो डाउट उनकी एक्टिंग स्किल हमने जवान में देखी थी, शाहरुख खान के साथ में जो रोल किया था पोजिट वाला, अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। सीन है इस मूवी के अंदर फाइट वाइट नहीं है, ये एक रात की कहानी है टोटली मिला के, एक रात में जो घटना घटती है, कैसे दो लोग मिलते हैं और आपस में प्यार होता, बस ऐसी कहानी घूमती रहती है। लेकिन मूवी एंड तक एंगेज रखती है, क्लाइमैक्स तक मतलब जो सस्पेंस बोलता है एंड में, वो देख के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये हुआ यार। के अंदर कोई भूत भी दिखाया है क्या मूवी के अंदर? नहीं नहीं, लगता है फर्स्ट हाफ में लगता है कि कटरीना कैफ और बेस सेतुपति कोई सुपर नेचुरल कुछ है, बट सेकंड हाफ में होता है क्लियर कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भूत भूत मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ये। तो मूवी को सब साथ में देख सकते हैं? हाँ, मूवी एक फैमिली मूवी है, अगर बात करें साउथ की तो साउथ में ज़्यादातर मूवी जो होती है वो फैमिली मूवी होती हैं, तो उन मूवीज़ को हम लोग साथ में बैठ के देख सकते हैं, जितने भी है फैमिली के साथ मूवी है। जितनी भी साउथ की मूवी होती है उसमें फाइट, इस मूवी में फाइट क्यों नहीं है, ऐसा क्यों? देखो मूवी के भी एक अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि मूवी में फाइट हो तो ही मूवी सक्सेस होती है, ठीक है। एक मूवी कहानी होती है जो कि लोगों को एंगेज करके रखती है, तो इसकी कहानी मतलब काफ़ी अच्छी है, इसमें मे भी शायद फाइट की ज़रूरत है भी नहीं, एक मतलब डार्क थीम है ना, एक तरीके से डार्क थीम है, एक तरीके से मतलब जो सस्पेंस होता है वो है इसके अंदर। रणबीर कपूर की जो मूवी आई थी एनिमल, उसकी टक्कर ले सकती है मेरी किस्मत? नहीं यार, उसकी तो खैर नहीं ले पाएगी यार, क्योंकि एनिमल का एक अलग था यार और इसका एक अलग है, कहाँ ले पाएगी मूवी। वो जो स्टोरी है वो भी बेहतर थी और फाइटिंग सीन भी रणबीर कपूर, वो मूवी एक वैसे मास मसाला मूवी थी, उसमें फाइटिंग जरूरत थी, इसमें कोई डार्क थीम मूवी है ना तो इसमें जरूरत ही नहीं है फाइट की, कोई जरूरत नहीं फाइट की इसमें। क्या लगता है क्या स्कोर देना चाहोगे आप इसे? मूवी को स्कोर रेटिंग देंगे हम 10 में से 5। 10 में से 5 इतनी कम, क्योंकि मूवी इतनी यार खास भी नहीं है। मैं तो क्रिसमस के बारे में कुछ बताया, क्रिसमस के बारे में? क्रिसमस का तो कोई रिलेशन ही नहीं है इसका कुछ भी यार, ऐसा कुछ नहीं है क्रिसमस के बारे में नहीं है। बहुत से जो बच्चे हैं वो इसे देखने आ रहे हैं कि इसमें क्रिसमस का कोई रोल नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिसमस जो फेस्टिवल एक रात की बस एक कहानी है, तरीके से दी गई रात की कहानी है बस एक, और क्रिसमस मेरी क्रिसमस क्यों कोई गिफ्ट वगैरह दिया गया है क्या इसमें? ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक साथ क्रिसमस डे की कुछ कहानी के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट बेस है, ऐसा कुछ है, बाकी क्रिसमस का ऐसा कोई मतलब आपस में संबंध कुछ भी नहीं है। क्रिसमस डे की तरह और बाकी एक कटरीना कैफ की यार एक्टिंग यार बहुत, मतलब कटरीना कैफ को इंडस्ट्री में काम करते हुए करीब 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी कटरीना कैफ को सही से हिंदी बोलनी नहीं आती, बड़ी इत्तेफाक की बात है। तुम कहाँ जाएगा, तुम उधर जाओ, तुम हमसे क्या बोलता है, मतलब कोई क्या यार कुछ होता ही यार ये, मतलब ढंग से हिंदी तक बोलनी आती है, सच्ची हिंदी तो वो बेस सेतुपति बोल रहा है यार, उसकी एक अलग बात है, तो इसलिए थैंक यू जी, थैंक यू।